नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। पत्रकार सम्मान समारोह सकुशल रहा संपन्न। जी हां, कुशीनगर जनपद के कसैया स्थित पथिक निवास होटल में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे न्यूज 9 नेटवर्क के मंडल ब्यूरो के एन साहिनी के नेतृत्व में सभी पत्रकारों को माला पहनाकर व पेन डायरी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकार उत्पीड़न पर चर्चा की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडवोकेट रामानंद कश्यप ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, जो न्यायिक सहायता होगी वो मैं करता रहूंगा। साथ ही नितिन गडकरी के बयान को लेकर कहा कि जो बयान परिवहन मंत्री ने दिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं के एन साहिनी ने कहा कि सभी पत्रकारों को एकता कायम रखना चाहिए। इसी क्रम में दैनिक लोकायुक्त समाचार पत्र के पत्रकार नौशाद अली ने पत्रकारिता की गिरती स्तर को संवेदना व्यक्त की और कहा कि पत्रकारों को एकजुटता के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, जिसे इसकी गरिमा बनी रहे। इस अवसर पर तेज प्रताप सिंह, उमर फारूक, सुरेश गौड़, कमलेश खरवार, अहमद अंसारी, सोनू गुप्ता, ऋषिकेश, मनोज कश्यप इत्यादि लोग मौजूद रहे। सूचना नेटवर्क के लिए कुशीनगर से कमलेश खरवार की रिपोर्ट। पहले यहाँ पे उपस्थित इस पत्रकार सम्मान समारोह में सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपना कीमती समय देकर के पथिक निवास होटल में अपना समय बिताया। इसलिए और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पत्रकार बंधु हैं, जो भी खबर प्रवेश कर रहे हैं, उन कहीं भी उनको दिक्कत आ रहा है, तो सभी पत्रकार बंधु एकत्रित होकर, एकजुट होकर के और सभी पत्रकारों के लिए एक इकट्ठा होने का एक मजबूती दिखाने का काम करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि नितिन गडकरी साहब ने पत्रकारों के सवालों को उन्होंने भर करके उल्टा जवाब दे दिया है, ये तो अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारा है। पत्रकार को ऐसे तत्वों का नहीं नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं कहा, उनके दूसरे रूप में कहना चाहिए था कि हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीधे कहा कि पत्रकारों को नहीं मिलेगा, विकलांग को, महिला को नहीं मिलेगा। तो टैक्स की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मिल सकती है, मंत्री को मिलेगा, विधायक को मिलेगा, सांसद मिलेगा, ये पत्रकार को क्यों नहीं मिल सकता? जब पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ऐसे में पत्रकार को हर सुविधा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में नितिन गडकरी को, भाजपा को, यहाँ के जो मीडियाकर्मी हैं उनको सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ खबर चलाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि पत्रकारों को अगर उनके हक अधिकार पर आप अगर दो तक अच्छे नहीं बोल सकते, तो बुरे बोलने का भी अधिकार आपके अंदर नहीं है। आप बना नहीं सकते, तो बोलने का बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं। आप एक सभ्य और एक परिवहन मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री आप हैं, आपको ऐसे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आप ये बोल करके पूरे पत्रकारों को आपने अपमान किया है, आपके सामने माफ़ी मांगना चाहिए था।